क्वेश्चन 24 देखिए। इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल, इफ AOB इज 145 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। हमें एक फिगर दे रखी है इस तरीके से, दिस इज द सेंटर, यहां पे दिस इज ए, दिस इज बी, ये है सी और ये है ओ आपका। एंड ये वाला जो एंगल है वो एक्स दे रखा है, ये वाला एंगल हमें 145 डिग्री दे रखा है। अब वो आपसे कह रहा है कि एक्स की वैल्यू बता दीजिए। अब इस एक्स की वैल्यू को निकालने के लिए ना हम यहां एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या? यहां पर एक पॉइंट ले लेंगे पी और उसको ज्वाइन कर देंगे ए से और बी से, इस तरीके से कि ए पी बी सी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन जाए। तो यहां पे हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, टेक पी ऑन सर्कल एंड हमने क्या कर दिया है, जॉइन पी ए एंड पी बी। हमने इसको कहां लिया है, सर्कल पर लिया है और पी ए और पी बी को हमने क्या कर दिया है, जॉइन कर दिया है। अब हमारे पास एक थ्योरम होती है कि सर्कल के किसी आर्क पर सेंट, जो मान लो ये एक आर्क है, दैट इज आर्क, ये इस आर्क ने सेंटर पर जो एंगल बनाया है वो डबल होता है उस एंगल का जो ये आर्क सर्कल के किसी और पार्ट पे बनाएगी। मान लो यहां अल्फा बना रही है तो यहां पे 2 अल्फा बनाएगी, और भी किसी पार्ट पे ले सकते हो, जैसे यहां लेते तो यहां मान लो बीटा बन रहा था तो सेंटर पे 2 बीटा बनता। मतलब सेंटर पे जितना एंगल बन रहा है वो आपका डबल होगा और किसी पार्ट पे बन रहे एंगल का। तो यहां पे आप समझें, मैं ऐसा लिख सकता हूं कि दिस एंगल, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए पी बी। इस ए पी बी एंगल का ये क्या होगा, ट्वाइस होगा। आप बोलेंगे एंगल मेड बाई एन आर्क मेड बाई एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबस्टेंडेड बाई, एंगल मेड बाई आर्क एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल। तो हम क्या लिख रहे हैं कि सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो सर्कल के किसी और पार्ट पे बन रहे एंगल का डबल होगा। तो ये मैंने लिख दिया कि ए ओ बी जो है वो आपका डबल होगा इस एंगल का। तो ए ओ बी हमें दे रखा है, दैट इज 145 डिग्री, 2 को भी इधर ले आओ तो यहां पे आ गया एंगल ए पी बी, विच इंप्लाइज एंगल ए पी बी जो मेरे पास है वो 2 से करेंगे तो 7, 2 से करेंगे 2.5 डिग्री, 72.5 डिग्री आ गया। एंड वी नो दैट जो ए पी बी सी है वो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है और उसके अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री, यानी कि उनका सम 180 डिग्री होता है। तो इस एक्स और इसका सम एक्स प्लस 72.5 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हम यहां पे कहेंगे सिंस अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। वो क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री हमारे पास होते हैं, यानी कि उनका जो सम है वो आपका 180 डिग्री होता है। इसको इधर ले आइए, एक्स इज इक्वल टू 180 माइनस 72.5 डिग्री, तो यहां सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.5 आ गया, 9 माइनस 2 इज 7 और यहां पे बचा 7 माइनस 7 इज 0, 107.5 डिग्री। तो ये जो एक्स की वैल्यू है वो 107.5 डिग्री आ गई है। दो थ्योरम्स हमने यहां इस्तेमाल की हैं कि एंगल मेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल मेड बाय एन आर्क, यहां पे किसी भी पॉइंट पे बनता उसका डबल होता है। उसके बाद
साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के जो अपोजिट एंगल्स हैं उनका सम वो क्या होता है, 180 होता है, दैट मींस दे आर सप्लीमेंट्री और हमें x की वैल्यू मिल गई है।